रमजान में बोल का एक और सिलसिला है और ये है स्टार क्विज का सिलसिला। इसमें हमारे जजेस यहाँ पे मौजूद हैं। आज हमारे साथ डिबेट के हवाले से स्पेशल जज जो हैं तला आलम साहब, वो यहाँ पे मौजूद हैं। सीनियर डिबेटर हैं जी, जनरल सेक्रेटरी तूबा फाउंडेशन, और ए जैसे लिखा हुआ वो तू भी हो गया, मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता, तो तूबा फाउंडेशन से है। स्टार डिबेटर, विनर ऑफ ऑल पाकिस्तान डिबेटर है। मुस्कुरा भी लो, शुक्रिया जी, आपको खुश आमदेद कहते हैं। जाले हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और मैं थोड़ा जाले, आप अगर सवाल पूछ लें तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, बजर राउंड है। मैं बिल्कुल पूछ लेती हूँ अगर मुझसे पढ़ा जाए तो। क्यों? कभी कभार नहीं, जैसे आपने कहा टू बी लिखा हुआ है। नहीं नहीं, आसान लिखा हुआ है। ये तो आ जाए, इधर आ जाए। ये मैं आपको बताऊं, ये क्या हाल है भाई सब के? ठीक ठाक है, जाग रहे हैं ना? जागते रहना, किसी तरह ना रहना। अच्छा भाई, बजर राउंड है। इसमें सही जवाब के 10 नंबर हैं और गलत जवाब के -10 हैं, और जो घंटी बजाएगा वो इंतजार करेगा कि किसने बजर दबाई है, बिकॉज आपको लगेगा आपने ही पहले दबाई है, लेकिन हमारे जजेस या अंदर से जो लोग बैठे हैं वो मुझे बताते हैं कि किसने बजाई है। ठीक है जी, तो इंतजार कर लीजिएगा, और अगर कहीं जाले आप सुन लें जी, सवाल के बीच में ये बजर दबा दें, वहीं सवाल रोक देना। अच्छा। आगे क्या है मत बताना, कहें नहीं हमने नहीं सुना दोबारा नहीं बताना, कहना बताओ वरना -10 है। बिल्कुल, आ जाए। अच्छा, खड़ा होना पड़ेगा मुझे? हाँ हाँ, बैठ के चले जी। तैयार हैं आप लोग? जी। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। चले, पहला सवाल है, अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म शिकवा और जवाब शिकवा उनके किस मजमूए का नाम? बे भांगे दरा। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड जी। जाले, ये क्या है? कुरान मजीद में किस जंग के नाम पे सूरत का नाम है? कौन है, किसे बजाया? वाओ वाओ वाओ, सूरह अहज़ाब। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है। जाले जरा माइक तुम्हारा दूर है, ये पता नहीं मेरे साथ उस वक्त से कुछ माइक के मसले चल रहे हैं। आप सही है, गलत इंसान जल्दी जल्दी कर दे दिया जी। सॉरी जी, राह इस्लाम में सबसे पहले तीर चलाने जी, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, राह इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाले सहाबी कौन से हैं? हजरत हारिस जी। ये सवाल था कि सबसे पहले तीर चलाने वाले सहाबी कौन से? नहीं 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 नहीं, -10 हो गया, अब नहीं हो सकता, निकल गया। मैंने कहा था बीच में मत बजाना, कहा गया था कि मत बजाइएगा। आगे, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किस वजीर आजम के खिलाफ कौमी असेंबली में अदम जी लाम लाम, लाम। इमरान खान। नहीं, इससे पहले भी ये सिलसिला चलता रहा है भाई, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के लिए हुआ था अदम एतमाद कर। सवाल पूरा नहीं हुआ ना? हाँ, अदम एतमाद की आपने बैल कर दिया, अदम एतमाद हुआ या नहीं हुआ ये अलग सवाल। हाँ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा मरहूम के लिए भी अदम एतमाद पेश किया गया था और उनको हटाने की कोशिश की गई थी जी, और बल्कि जब ये हमारे पीएम के साथ हुआ था तो ये बार बार बात दोहराई गई थी। हाँ, कि ये हो चुका है, ये हो चुका है पहले पाकिस्तान में जी, जब कुछ नहीं आ रहा होता तो वो यही करते हैं जी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कब पेश की गई थी जी? बे 1998 में, तकरीबन 1997-1998 इसी दरमियान सिलसिले में, इसी अरसे में आता। आपका ये फाइनल जवाब है? अच्छा खासा ब्रैकेट बना दिया पूरे साल का। हाँ, ये अच्छा फाइनल जवाब है। पीछे जाने की बजाय आगे चले जाते ना, सही हो जाता। 89 है। 26 क्या है? मैंने कोशिश की, 26 अक्टूबर 1989 नवासी में। नवासी, ये आप वैसे ही, आपको आपने 98 कहा है? नहीं नहीं, 89 मैंने कहा है। नहीं, 88-87 कहा है। 97 और 98 अच्छी तरह से याद है, मेरी पूरी बर्थडे का बड़ा खराब हो गया जब नवाज़ शरीफ, 26 अक्टूबर को मेरी बर्थडे होती है, उस वक्त नवाज शरीफ जो है। जी, नेक्स्ट सवाल जी। जून 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल किन दो ममालिक के दरमियान खेला जाएगा जी? 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल किन दो ममालिक के दरमियान खेला जाएगा? क्रिकेट तो दिलचस्पी है किसी को यहाँ पे? गैस ही मार ले। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा, गैस में नंबर चले जाएंगे, माइनस हो जाते हैं। माइनस, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड। हाँ, दोबारा ऑप्शन दिया दफा? नहीं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड। चले, हाँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की। अरे गलत जवाब, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ये तो ऑप्शन था ही नहीं रहे हैं जी, मुझे दे दो। हर टीम में इंडिया डाला था। ओके जी, अब सवाल है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल कहाँ खेला जाएगा?
चले इसमें भी ऑप्शन दे दे, इसमें भी दे दूं। हाँ अरे यार, बॉम्बे में, लंदन में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? यार एक तो बीच में से निकाल दो और दो में से फैसला कर लो। नहीं पता किसी को भाई, ये ओवल में खेला जाएगा। ओके जी, ठीक है। दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? कौन है? भाव है, आई थिंक। लाम भाव, भाव लाम लग रहा था। भाव भाव अंदर से बताएं। हाँ जी, भाव भाव माउंट एवरेस्ट। पहाड़ी सिलसिला कोई बता रहा हूँ, पहाड़ी सिलसिला, पहाड़ी सिलसिला कोई हिमालय। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पूरा सुन के बेटा। दुनिया का सबसे छोटा बड़े आजम कौन सा है? जी बे, ऑस्ट्रेलिया है। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, वेरी गुड। दुनिया में सबसे ज्यादा जजायर किस ममालिक जी कौन है? वाओ, मालदीव्स में। मालदीव्स नहीं, सब क्लोज है लेकिन। नहीं नहीं, क्या हो गया, मुल्क ही अलग है। नहीं नहीं, जगह, रीजन, रीजन क्लोज है जी। अच्छा, तोफाए नील किस मुल्क को कहा जाता है? तोफाए नील किस मुल्क को कहा जाता है? जी बे बे, मिस्र को कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। महावरा मुकम्मल करें, लातों के भूत लाम लाम लाम, बातों से नहीं मानते, बातों से नहीं मानते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, वेरी गुड, लाम से लातों के भूत। बुलबुले पाकिस्तान किस नात? जी बे वाओ, हजरत उवैस कादरी, अलहाज यूसुफ मेमन। क्या था? और ये खत्म हुआ जी, खत्म हो गए। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन, 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पार। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम है, जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।